नमस्कार। सो जैसे हरियाणा ने नॉर्थ में निकाल दिया था, पंजाब आई थिंक इज द सेकंड स्टेट जिसने अपना एक ब्रॉड नोटिस निकाल दिया है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह शेयर कर दिया, रूल्स रेगुलेशन शेयर कर दिए इस साल की काउंसलिंग के, लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किया है जो केरल और तमिलनाडु ने कर रखा है। अगर हम स्टेट बाय स्टेट जाएँ, मैं फिर से मैं हमेशा कहता हूँ मैं मणिपुर या सिक्किम मणिपाल की बात नहीं करता, जिसने जाना है वहाँ वो चला ही जाता है। तो आफ्टर आई थिंक मतलब हाँ तो चल ही रही है, और आंध्रा ने खैर वो सिर्फ मेरिट लिस्ट निकाली है, तो पंजाब ने पूरा नोटिस निकाल दिया। और वही चीज़ जो शायद मैं लास्ट ईयर तक सबको समझाता था, इनको पता चल गया है ताकि फ्यूचर में वो ना करे। तो बाकी देखिए, लास्ट ईयर में पहले कन्फ्यूजन आ गई थी कि भाई उसी को पंजाब का कोटा मिलेगा जिसने नीट फॉर्म भरते समय अपना करंट स्टेट पंजाब भरा है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई थी। इस बार उन्होंने वो ऐसा कोई पंगा नहीं लिया था और पहले ही नोटिस निकाल दिया था कि भाई किस किस को देंगे हम पंजाब का कोटा, और तकरीबन सारे रूल सेम है, सिर्फ एक रूल चेंज हो गया है। और वो रूल यही है कि सिर्फ अगर आपके पास 5 साल पुरानी प्रॉपर्टी है पंजाब में तो भी आपको पंजाब का कोटा मिल जाता था, अगर पेरेंट के नाम पे है वो हटा दिया गया क्लॉज। उसके अलावा सारे हैं, आपने सिर्फ 11th 12th बच्चे ने पंजाब से कर ली जैसे दिल्ली से करते हैं तो पंजाब का कोटा मिल जाएगा। तो जो लोग पंजाब में नहीं भी रहते, और मैं हमेशा समझाता हूँ कि पंजाब स्टिल बेटर इफ़ यू लुक एट नॉर्थ इंडिया। देखिए हिमाचल जैसा तो कुछ नहीं है सरकारी सीट के लिए, पर हम नॉर्थ की बात करें तो दिल्ली हरियाणा राजस्थान आर दी मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्टेट्स इन इंडिया, और बिहार के अलावा इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सीट। उत्तराखंड में भी आपको बेटर है अगर आप 10th 11th 12th वहाँ से कर लो, वहाँ पर तीनों करना पड़ता है। और यूपी का थोड़ा टफ है, यूपी में सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलता, आपके पास एक वो बर्थ डोमिसाइल होना चाहिए अगर हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, सेम इज़ फॉर राजस्थान। लेकिन पंजाब में मिल जाता है 11th 12th करके, तो जो अगले साल अगले भी लोग देख रहे हैं वीडियो वो कर सकते हैं। और ये रूल हो या आपके पास परमानेंट रेजिडेंस का सर्टिफिकेट हो तो भी चल जाएगा। इसके अलावा देखिए बहुत सारी बातें हैं, 11th 12th भी ना पढ़ी हो, पहले कभी 5 साल पंजाब में पढ़ाई की हो तो भी चल जाएगा, मतलब स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी कॉमन जो हर जगह चलता है कि भाई अगर आपके फादर हैं वो जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और वो डेपुटेशन में बाहर कहीं काम कर रहे हैं, और चंडीगढ़ में मतलब इस तरह से जो 6-7 होते हैं जो हमेशा स्टैंडर्ड होते हैं ना कि आप यहाँ के लोग हो बाहर काम कर रहे हो, तो उन सबको मिल जाता है। तो मैं उसको बता के सही बताऊँ समय भी ख़राब नहीं करूँगा। मेन चीज़ वही थी कि उसको नहीं मिल रहा जिसका 5 साल का प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आपके फादर 5 साल से ही पंजाब में रह रहे हैं तो भी आपको मिल रहा है, मतलब काम या उसके चक्कर में, तो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप 5 साल से पंजाब में रह रहे हो, दैट मीन्स बिजली वगैरह के बिल आप दे रहे हो, तो खुद की प्रॉपर्टी ना भी हो लेकिन उस तरह से आपके पास चीज़ें हैं तो भी आप चल जाते हो, राइट। इसके अलावा बाकी तो कहानियाँ हैं, फीस थोड़ी बढ़ गई है इस बार। और देखिए पंजाब में सरकारी में भी ना ठीक ठाक सी फीस लेते हैं, तो पंजाब के सरकारी कॉलेजों की जो फीस है वो है 1,75,000 रुपये पहले साल की, जो कि बढ़ती है हर साल बाय 5%। सो टोटल मिला के ना पंजाब में सरकारी कॉलेज में भी जब आप पढ़ते हो सो मोटा मोटी 9 लाख रुपए की फ़ीस दे देते हो, ठीक है। BDS इससे बिल्कुल आधा चलता है, और वही जो प्राइवेट कॉलेज हैं पंजाब के, जैसे हम जानते हैं पंजाब एक क्लोज स्टेट है, ये याद रखिए। तो इस वीडियो को सुन के ना अगर आप पंजाब के भाई डोमिसाइल में फिट नहीं होते हो तो पंजाब का फॉर्म नहीं भर सकते आप, ठीक है। और हाँ, फिट होने के तरीके बहुत थे, अगर आप पंजाब का रेजिडेंस सर्टिफिकेट अभी भी बनवा लो तो पंजाब का ब्रोशर देख के जो बाबा फरीद की वेबसाइट पर डला हुआ है, ओके। 4 लाख से स्टार्ट हो रही है जो गवर्नमेंट कोटा होता है, और नॉन गवर्नमेंट कोटा तो पूरा 10,40,000 स्टार्ट हो रही है। इसमें 10% इंक्रीमेंट होता है हर साल, तो जिसको गवर्नमेंट कोटा भी मिल जाती है चीज़, जो कि 50% होता है हर प्राइवेट कॉलेज में, 35% है मैनेजमेंट कोटा, 15% NRI, और ये सारी सीटें ही पंजाब डोमिसाइल वालों के लिए हैं जिसके 10-12 पैरामीटर हमने मोटा मोटी अभी डिस्कस करे थे। सेम रूल BDS में चलता है, मोटा मोटी आधी फीस है, और BDS में आपको पता ही है पंजाब में काफ़ी हद तक नेगोशिएशन भी होती है क्योंकि BDS से सीटें खाली जाती हैं। NRI की जो फीस है वो 1,10,000 US डॉलर है वन टाइम, तो आज की रेट के हिसाब से 90 लाख रुपये पकड़ लीजिए आप। कुछ बहुत शानदार कॉलेजेस हैं पंजाब में, प्राइवेट में भी DMC लुधियाना इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉलेजेस, और श्री गुरु रामदास में कोई गवर्नमेंट कोटा नहीं होता, तो वहाँ सारी फ़ीस है वो मैनेजमेंट कोटा वाली ही जाती है, ठीक है। और CMC लुधियाना हम जानते हैं बड़ा शानदार कॉलेज है, और उसमें 5 ऑल इंडिया कोटा की सीटें भी हैं जो मतलब पंजाब के बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए फ़ीस 6 लाख रुपये साल की होती है, ओके, 6.5 लाख एक्चुअली टू बी प्रिसाइज।
खूब सारी रिजर्वेशन होती है पंजाब में, बैकवर्ड एरिया बॉर्डर एरिया की भी रिजर्वेशन होती है, स्पोर्ट्स पर्सन की रिजर्वेशन है पंजाब में, तो वो सब पंजाब के लोगों को पता ही है। ठीक है, फीस मैंने बताया कि थोड़ी बढ़ गई है। NRI पंजाब में NRI स्पॉन्सर्ड को सीट नहीं मिलती है, तो या तो आप खुद NRI हो पंजाब से बिलोंग करते हो, उसमें ना एक ही कैटेगरी में गिनते हैं, जैसे बाकी स्टेटों में क्या होता है, हरियाणा का मैंने आपको बताया था ना कि स्टूडेंट NRI बिलोंग टू पंजाब हरियाणा, स्टूडेंट पेरेंट्स NRI बिलोंग टू हरियाणा, तो उसको दो कैटेगरी मानते हैं अलग अलग, मतलब स्टूडेंट खुद NRI है तो वन, पेरेंट्स है तो टू, फिर नंबर थ्री आती है कि स्टूडेंट NRI है लेकिन फंडामेंटली हरियाणा से बाहर से बिलोंग करता है, फोर मानते हैं हम स्टूडेंट के पेरेंट्स NRI है और फंडामेंटली बाहर से बिलोंग करते हैं, याद है? तो उस तरह हरियाणा में छः फैक्टर बने थे, फिर बीच में पाँचवा फैक्टर भी बना था जो मैंने हरियाणा की वीडियो में डाला था, इस साल मैंने कहा था ना कि उन्होंने पाँच को छः कर दिया था, बट पंजाब में सिर्फ दो होते हैं, या तो आप पंजाब से बिलोंग करने वाले NRI हो खुद हो या आपके पेरेंट्स हैं, और दूसरा बाहर से हो। NRI स्पॉन्सर्ड को पंजाब में सीट नहीं मिलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, NRI स्पॉन्सर्ड को पंजाब में सीट नहीं मिलती है। ओके, तो ये सब बातें हैं, कुछ खास नहीं है, सिर्फ वही है कि 5 साल पुरानी सर प्रॉपर्टी खरीद के अगर आप दिल्ली में रहते हो और सोचो कि आपको पंजाब का रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो अब फ्यूचर में नहीं मिलेगा, बाकी देर इज़ नथिंग स्पेशल। तो जो लोग भी वेट कर रहे हैं वेट कीजिए, और ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह तो हर साल आता ही है, हर साल वही जो 5-7% फ़ीस बढ़नी है वही बढ़ी है, तो प्राइवेट कॉलेज इस बार 4,06,000 से उनकी फ़ीस स्टार्ट हो रही है फर्स्ट ईयर में, लास्ट ईयर यही फ़ीस आई थिंक 360 या 370 थी, तो उतना ही फ़र्क है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जो मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से जो फ़ीस बढ़ानी है, हाँ 386 थी इस साल, इस बार 4,04 है, तो बिल्कुल 5% ही फ़ीस बढ़ाई है, और फिर हर साल भी 10% फ़ीस बढ़ती है प्राइवेट में, 5% बढ़ती है गवर्नमेंट में, बट जैसे मैंने कहा पंजाब में गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो GMC पटियाला के बाद DMC लुधियाना मेडिकल कॉलेज लुधियाना को प्रेफर करते हैं, वन ऑफ द रियली टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया, जो मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया था कि Tier 1 कॉलेज जिसे हम कहते हैं, गुड लोकेशन, गुड पढ़ाई, ग्रेट पेशेंट फ्लो, तीनों चीज़ें उसमें हैं, अच्छा रहने खाने का सुख भी है। ओके, सो दैट इज़ फॉर पंजाब। हमसे संपर्क करना चाहें, हमारी काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहें, मैं बार बार समझाता हूँ कि जो भी आपको मैं नॉलेज देना चाहता हूँ वो मैंने आपको YouTube वीडियो के माध्यम से दे देता हूँ, कमेंट कभी कभार हम जवाब दे देते हैं आपके क्वेश्चंस के जब सही तो समय होता है, अदरवाइज़ मैं बार बार कहता हूँ वी आर अ पेड प्रोफेशनल करियर काउंसलर्स एंड गाइड, यही हमारा प्रोफेशन है, तो काउंसलिंग हमसे कराना चाहते हैं, पूरी काउंसलिंग हमसे कराना चाहते हैं, टेक अवर काउंसलिंग पैकेज, हमें समझना चाहते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, 2,500 इज़ फॉर फोन काउंसलिंग एंड फर्स्ट काउंसलिंग, 5,000 इज़ फॉर फेस टू फेस काउंसलिंग, एंड समटाइम उसी काउंसलिंग में हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा हमारा फुल टाइम पैकेज सूट करेगा। हमारा पैकेज 30,000 से 1,50,000 तक जाता है, मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि हमें कितनी मेहनत करनी है, और वो आपको पहली कॉल में हमेशा समझ में आ जाता है। तो अगर आपके 400 नंबर भी आप सीधा बोल दो सर DM का फॉर्म भर दो और जो DM मिल जाएगी हम चले जाएंगे, तो वी आर वेरी हैप्पी टू वर्क फॉर यू फॉर 37 rupees ऑल्सो। हम वो नहीं सोचते कि भाई तुम प्राइवेट में जाने वाले हो तो हमें 1,00,000 रुपये आपसे लेने हैं, जो कुछ और कंपनियाँ करती हैं। और वही अगर 400 नंबर वाला कहता है या 2.5 लाख रैंक वाला कहता है कि मुझे ये सब चाहिए और बेस्ट कॉलेज चाहिए, जिसमें हमें आपके लिए 6-7 काउंसलिंग्स मैनेज करनी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से हमारी फ़ीस बढ़ जाती है। ओके, सो फील फ्री टू कॉल अस टू बुक काउंसलिंग स्लॉट एंड लुक चेक अवर काउंसलिंग पैकेजेस एट 9643362320 9643362320